मणिगुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आप अपना बिजनेस करने का मन बना चुके हैं और एक या तो फिर एक स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो आपके लिए जो फंडिंग है या बिजनेस में पैसे कैसे लगाने हैं, ये हो सकता है एक कंसर्न हो, क्योंकि बिजनेस के लिए शुरू करने के लिए एक अच्छी खासी रकम की जरूरत होती है। अब वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने बिजनेस शुरू करने के लिए फंड जुटा सकते हैं, इसी पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा। बिजनेस लोन पाने के 5 तरीके हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय करा दे। हमारे साथ महेश शुक्ला हैं, यह है फाउंडर पे मी इंडिया। महेश जी का शो में स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आज के शो में क्या है खास, उस पर डालते हैं एक नजर। आज हम शो में खास तौर पर समझेंगे बिजनेस लोन लेने के क्या है तरीके, क्या बिजनेस लोन लेने के लिए अच्छा क्रेडिट स्कोर जरूरी है, छोटा व्यापार शुरू करने की कौन सी सरकारी स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में आज हम देखेंगे यूएस बाजार के अलावा इंटरनेशनल निवेश के कहां हैं मौके। महेश जी स्वागत है आपका मनी गुरु में। और सबसे पहले कई लोग जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे, ऐसे उनमें से कई ऐसे दर्शक हैं जो कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले हम बहुत पॉपुलर बिजनेस को या बिजनेस शुरू करने के लिए जो फंडिंग चाहिए होती है, सबसे पॉपुलर तरीका होता है सिंपल, आप बैंक में जाइए और लोन लीजिए, बिजनेस लोन जिसे कहा जाता है। बहुत ही बेसिक टर्म्स में बिजनेस लोन क्या है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सो बिजनेस लोन एज द नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ, आपको अपना व्यापार बढ़ाना है या फिर नया बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए जो पर्टिकुलर लोन लेते हैं आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो एक बिजनेस लोन बोलते हैं हम उसको। सो आप अगर एग्जिस्टिंग व्यवसायी हैं, अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए लोन ले रहे हैं, या फिर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उसके लिए लोन ले रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड बिजनेस लोन, सिंपल। ओके, तो बिजनेस लोन नया व्यापार शुरू करने के लिए। अब जब माने मुझे बिजनेस शुरू करना है, मैं बैंक के पास जाती हूँ या फिर कोई लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनके पास जाती हूँ, तो मेरे लिए प्रोसेस क्या होगा बिजनेस लोन लेने का, क्योंकि मेरे लिए तो ये एक नया फील्ड है, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, तो मुझे एज अ कस्टमर किन बातों का ख्याल रखना है, जो पूरा प्रोसेस है किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको एक आवेदन, एक एप्लीकेशन भरना होगा, आप चाहे बैंक के पास जाएं, एनबीएफसी के पास जाएं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास बिजनेस लोन के लिए, तो एक एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, कुछ सर्टेन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बिजनेस लोन कई तरीके के होते हैं, सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, तो आपको पहले ये समझना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करेंगे और क्या आपके लिए बेटर होगा, और जो भी आप चाह रहे हैं क्या उसके लिए आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे कि अगर आप बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन ले रहे हैं, तो फिर वो आपको हिस्ट्री देखना चाहेंगे कि आपने कैसे बिजनेस किया है, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी बना रहे हैं आप, या फिर आपके फाइनेंशियल्स कैसे दिखते हैं। विज़ आप एक नया बिजनेस करना चाह रहे हैं जिसको आपके पास अभी आपने शुरू नहीं किया, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप ये करना चाह रहे हैं, तो उसमें दे वुड वांट टू सी द प्रोजेक्शंस, आपके पास वो बिजनेस केस आप बना के ले जाएंगे, उसका पूरा प्रोजेक्शंस बना के ले जाएंगे, फिर आपकी प्रोफाइल अपनी होती है, जो भी उस बिजनेस के प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं, उनकी प्रोफाइल देखी जाती है, और फिर ये भी देखा जाता है कि क्या जिस तरह की फंडिंग आप देख रहे हैं वो बिजनेस का स्ट्रेस तो नहीं है वो सेक्टर, तो ये सारी चीजें इवेल्युएट की जाती हैं। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके फाइनेंशियल्स अच्छे होने चाहिए, सो दीज आर द प्रोसेसेस। आप एप्लीकेशन भरेंगे, फिर बैंक के पास जाएगा, बैंक उसको इवेल्युएट करेगा, मे बी वो आप बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आके आपसे मिलें, आपका ऑफिस देखें, दिस इज कॉल्ड पीडी, एक प्रोसेस होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट जिसको बोलते हैं, फिर वो आपके ऑफलाइन आपका ब्यूरो चेक करेंगे और देन वो आपको एक कम्युनिकेशन भेजेंगे, देन दे विल सेंड अ सैंक्शन कि हाँ ये बिजनेस लोन हम अप्रूव करते हैं, देन यू विल अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस जिसमें आपके आरओआई होते हैं, रीपेमेंट के ऑप्शन होते हैं कि आप कैसे पे करेंगे, कितने साल के लिए आप लेना चाह रहे हैं, ये सारा अग्री होता है, लोन अग्रीमेंट साइन होगा, फिर आपको पैसा मिल जाता है अपने व्यापार के लिए। ओके, ठीक है, एक और बात बताइए महेश जी कि कौन कौन से लोग बिजनेस लोन के लिए आवेदन दे सकते हैं? आपने बोला कि एक वो व्यक्ति जो कि खुद अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और शायद जिनका एक ऑनगोइंग बिजनेस चल रहा है उसको एक्सपैंड करने के लिए, उसके अलावा और कौन सी एंटिटीज है जो बिजनेस लोन लेने के लिए एलिजिबल है?
बिजनेस लोन उन्हीं लोगों के लिए एलिजिबिलिटी है जो या तो व्यापार में हैं या बिजनेस में हैं या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो बिजनेस लोन अप्लाइज टू कॉर्पोरेट्स एज वेल, कॉर्पोरेट्स भी बिजनेस लोन लेते हैं अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। इट कुड बी अ स्टार्टअप एज वेल जो बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, ऑफ कोर्स एंड एक एस्टैब्लिश्ड फर्म है तो वो तो अप्लाई कर ही सकती है। सो देर आर वेरियस स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने भी ऑफ लेटली लॉन्च किया है, जैसे मुद्रा है आपका 59 PSP लोन करके है, और भी बहुत सारे लोन उन्होंने प्रमोट किए हैं ऑफ लेटली। तो गवर्नमेंट स्कीम्स भी आप देख सकते हैं कि किस में आपको सूटेबल बैठता है, कौन सी स्कीम आपके लिए फिजिबल है, क्योंकि स्पेसिफिक ये है कि अगर वो गवर्नमेंट स्कीम में है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको आरओआई जो रिटर्न जो इंटरेस्ट चार्जेस है वो बहुत कम लगते हैं। बट अगर एक ऐसा उस सेक्टर पे फॉल नहीं करता है तो मे बी आपको थोड़ा इंटरेस्ट हाई पे करना पड़े। सो एनी वन हुज रनिंग अ बिजनेस, जो भी आदमी एक बिजनेस रन कर रहा है वो अप्लाई कर सकता है बिजनेस लोन के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर है क्रेडिट स्कोर का। आपने कहा कि क्रेडिट स्कोर अच्छा होना जरूरी है। अब कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका ड्यूरिंग कोविड टाइम क्रेडिट स्कोर खराब हुआ हो, क्योंकि काफी लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजरे हैं और वो चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस शुरू करें। तो क्रेडिट स्कोर एक तो कितना होना चाहिए, क्या वही क्राइटेरिया है जैसे जो किसी भी लोन के लिए होना चाहिए, या फिर एक नॉर्मल औसत क्रेडिट स्कोर पर भी जो बैंक है वो बिजनेस लोन दे सकते हैं? और अगर ये क्राइटेरिया है तो वो कौन से ऐसे केसेस या सिचुएशंस हो सकती है जब खराब क्रेडिट स्कोर पर भी कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स किसी को बिजनेस लोन दे, क्या ये पॉसिबल है? जी, अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो चांसेस बहुत निल है कि आपको लोन मिले। किसी भी लोन के लिए आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना बहुत जरूरी है। अच्छा क्रेडिट स्कोर व्हाट वी मीन, समवेयर 750 के ऊपर आपका ब्यूरो स्कोर हो तो आपको एक तो अफोर्डेबल अच्छे रेट्स पे मिलता है, आपका अप्रूवल क्विकली हो जाता है। बट अगर आपका सिविल या फिर आपका ब्यूरो खराब है, रिपोर्टिंग खराब है, आपने कोविड में जैसे आपने बोला कि खराब हो गया है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस टाइम है कि ऐसे लोग जाके अपने लेंडर से मिले और उनकी अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करें और उसको क्लोज कराएं, उस मैटर को सेटल या क्लोज करके अपने लेंडर से एनओसी जरूर ले लें। अगर उनका सिविल डाउन है और वो अपना एनओसी दिखाते हैं तो फिर उसमें जो नए लेंडर्स हैं, जो बिजनेस लोन के लेंडर्स हैं, वो उसको कंसीडर करते हैं। अगर आपका ब्यूरो एकदम ही खराब है और अगर आपको फिर भी लोन चाहिए तो फिर आपको कोलेटरल लोन ही मिल सकता है, नॉन कोलेटरल लोन नहीं मिलेगा। ओके अब एक और बात समझना जरूरी है। अब तो आजकल पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है और खासतौर पर भारत में भी हमने देखा है डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन काम काफी ज्यादा उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, इंकरेजमेंट हो रही है। तो बिजनेस लोन ऑनलाइन लेना कितना आसान है? डिजिटाइजेशन से बहुत ही ईज हो गया है आज के टाइम पे लोन लेना। आपको बहुत ज्यादा पहले की तरह मशक्कत नहीं करनी पड़ती, बहुत मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता कि आप बार बार बैंकों के चक्कर लगा रहे। तो अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे फिनटेक है लाइक पेम इंडिया इज वन ऑफ देम, जहां पे हम कंप्लीटली डिजिटली आपको अप्रूव करके देते हैं लोन। आपको यू डोंट हैव टू कम टू आवर ब्रांच, आपको कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके डिजिटल लोन में ये है कि उसमें टिकट साइजेस थोड़े लोअर होते हैं, जब बड़ा टिकट साइज होगा तो फिर आपको फिजिकल मीटिंग जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, तो ऑनलाइन भी बिजनेस लोन लेना आपके लिए आसान है और चुटकियों में ये काम हो सकता है। बस आपको अपने तमाम जो KYC प्रोसेस है, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है उनको रेडी रखना है और जो भी ऑफकोर्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक आपसे डिटेल्स मांगेगा आपको मालूम होना चाहिए। हो सकता है फिजिकली आपको जाना पड़े कुछ फॉर्मेलिटीज करने के लिए। अब आपने सरकारी लोन स्कीम्स की कुछ चर्चा की थी यहाँ पर महेश, तो उसमें कुछ पॉपुलर स्कीम्स में मुद्रा लोन योजना, स्टैंड अप इंडिया है, आपने 59 मिनट में PSB लोन का भी जिक्र किया और मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड भी है। खासतौर पर जो MSMEs हैं, जो छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए काफी पॉपुलर है ये। लेकिन इसमें यह है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपको 5 करोड़ माने 5 करोड़ तक आपको जो लोन है अपने व्यापार के लिए मिल सकता है। इनमें से कोई स्कीम जो खासतौर पर आपको लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए काफी सफल स्कीम है? जी, अगर आप एक छोटे स्केल पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप आइडिया को टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मुद्रा लोन एक अच्छी सफल स्कीम है और मुद्रा लोन का सैंक्शन रेट भी वेरी हाई है। आपको ज्यादातर मुद्रा लोन अप्रूव होते हैं और पीछे कोविड से पहले सरकारी बैंकों ने भी बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किया है मुद्रा लोन का। तो आई थिंक मुद्रा लोन से आपको ट्राई करना चाहिए, उसमें हर रेंज का लोन है इनिशियली।
ओके, मुद्रा लोन आपको बता दें कि 50,000 से 10 लाख तक की लोन की राशि आपको दी जाती है, और इसमें जो प्राइवेट या पब्लिक बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कॉरपोरेट बैंक आपको लोन देते हैं। स्टैंडअप इंडिया हमने देखा, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया के तहत भी सरकार ने काफी ज्यादा स्कीम शुरू की, जिसके तहत 1 करोड़ तक का भी लोन मिलता है। तो ये भी एक पॉपुलर या एक अच्छा एक तरीका हो सकता है जो कि छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, जिनको 1 करोड़ तक की खाली राशि चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, क्योंकि मुद्रा लोन से तो ज्यादा ही है स्टैंडअप इंडिया में लोन अप्रूवल अमाउंट जो है। जी, स्टैंडअप इंडिया के लोन के अपने सम रिजर्वेशंस हैं, लाइक फीमेल प्रायोरिटी है, कुछ और भी रिजर्वेशंस हैं, बट एक बहुत ही अच्छी स्कीम है स्टैंडअप इंडिया की, अगर आप अपने बिजनेस के लिए देख रहे हैं। ओके, और बाकी दो स्कीम्स भी आपको बता दें। 59 मिनट में पीएसबी लोन, मतलब आपको 1 घंटे में अप्रूवल मिल जाता है लोन का, स्टार्टअप और बिजनेस एमएसएमईज के लिए 5 करोड़ तक का लोन अप्रूवल इसमें है, और फ्री जो लोन के लिए गारंटी की इसमें कोई मतलब कोलैटरल की कोई जरूरत नहीं होती है, आपको इन्फॉर्मेशन भी स्क्रीन पे दिख रही होगी, और तुरंत अप्रूवल जो कहते हैं ना तुरंत मिलने वाला लोन है वो लोन है। और मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड भी है, जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस सेक्टर के मौजूदा या नए व्यवसाय है उनको लोन मिलने में इससे आसानी हो सकती है। 25 लाख तक न्यूनतम आपको इसमें लोन की राशि मिल सकती है, और लोन के लिए इसमें भी गारंटी की जरूरत नहीं है। तो महेश जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आज के इस शो में शामिल हुए। आपने जिन लोगों को अपना बिजनेस शुरू करना है उनके लिए लोन लेने के तमाम विकल्पों पर हमारे साथ आज चर्चा की। बहुत ही कम समय में आपने काफ़ी सारी बारीकियां आज समझाई हैं दर्शकों को। हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया करेंगे। म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है, और आज की मास्टर क्लास होने वाली है बेहद ही खास, और हम अपनी इन मास्टर क्लास के जरिए कोशिश करते हैं निवेशकों को म्यूचुअल फंड की अलग अलग बारीकियों के बारे में बताने की, जिससे वो बेहतर से बेहतर निवेश के फैसले अपने लिए ले सकें। आज हम खास तौर पर ग्लोबल इन्वेस्टिंग की बात करेंगे, पर बियॉन्ड यूएस मार्केट। जब भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात आती है, यूएस मार्केट में रुचि तो लोगों की रहती है, लेकिन सिर्फ वही एक आयाम नहीं है निवेश के, और भी कई ऐसे निवेश के तरीके हैं, कई ऐसे इंटरनेशनल मार्केट्स हैं जहां पर आप अपने लिए निवेश के मौके तलाश सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान है, सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। मिरई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में ईटीएफ प्रोडक्ट्स के हेड सिद्धार्थ श्रीवास्तव। सिद्धार्थ, आपका बहुत स्वागत है म्यूचुअल फंड के मास्टर क्लास में। शुक्रिया स्वाति। तो सिद्धार्थ, जैसा हम शुरुआत में कह रहे थे इस मास्टर क्लास की, कि जब भी हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हर कोई चाहता है कि अपने पोर्टफोलियो में एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर जरूर हो। सबसे पहले आज कल के जो माहौल है निवेश के माहौल में और आजकल के इस मार्केट में, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा प्रचलित क्यों हो रहा है? स्वाति, अगर हम लोग देखें तो भारतीय शेयर बाजार ग्लोबल शेयर बाजार का सिर्फ 3% का हिस्सा है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, जैसे कि एप्पल, अमेजोन, गूगल एक्सेट्रा, जो कि काफी वेल नोन है, काफी अच्छा कर रही हैं। उसकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडियन मार्केट्स में नहीं है उन टाइप की कंपनियों की। कई सारे थीम्स हैं, सेक्टर्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमी कंडक्टर्स, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, रोबोटिक्स एक्सेट्रा, जो कि जो सेगमेंट्स काफी अच्छा कर रहे हैं, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स खुद काफी निवेश कर रहे हैं, जो कि अगेन हमारे बाजार में उपलब्ध नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड तीसरा रीजन ये है कि भारतीय बाजार, भारतीय निवेशक अभी काफी जागरूक हो चुके हैं, एंड वो चाहते हैं कि वो ऐसे कंट्रीज में इन्वेस्ट करें, ऐसे मार्केट्स में इन्वेस्ट करें जो कि वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। एंड उनका नजरिया भी ये है कि भारत के अलावा भी ऐसी कई सारे विकल्प को जाने समझे, और अगर उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के पर से मैच करता है तो उसमें निवेश करें। बिल्कुल, जैसा आपने बोला कि जो भारतीय निवेशक हैं वो भी काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के इस नए आयाम के प्रति। सिद्धार्थ, एक बात बताइए, जब भी हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यूएस मार्केट्स काफी ज्यादा पॉपुलर हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक तो यूएस मार्केट की
कि इतनी ज्यादा मांग क्यों है इन्वेस्टमेंट में, और सबसे इंपॉर्टेंट जब हम इंटरनेशनल मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो यूएस मार्केट के अलावा भी तो कई ऐसे बाजार है जहां पर ग्लोबल एक्सपोजर लिया जा सकता है, तो वहां पर कैसे निवेश के मौके जो निवेशक है वो तलाश सकते हैं? सबसे पहले यूएस दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, वहां पे बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, जैसे मैंने आपको बोला कई सारी बिग टेक्नोलॉजी कंपनियां जो कि हमारे डेली लाइफ का पार्ट है वो यूएस में लिस्टेड है, बहुत सारी उभरती हुई टेक्नोलॉजी थीम्स वाली कंपनियां भी यूएस में लिस्टेड है, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि यूएस मार्केट ने पिछले 3, 5, 10 सालों में भारतीय बाजार से ज्यादा बेहतर रिटर्न दिए हुए हैं। इसकी वजह से लोग यूएस मार्केट में निवेश करने के लिए काफी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, एंड साथ ही साथ क्योंकि हम लोग यूएस मार्केट की इतनी बातें करते हैं तो एक सॉर्ट्स ऑफ फैमिलियरिटी भी है, तो लोग कंफर्टेबल भी होते हैं यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। यूएस मार्केट किसी भी निवेशक का एक पहला स्टेप होना चाहिए, बहुत सारे निवेशक हैं जो सिर्फ भारतीय बाजार में ही इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में अभी हालांकि बात कर रहे हैं हम लोग बाहरी बाजारों में निवेश करने की, बट इतने लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं बाहरी बाजार। सो अगर कोई निवेशक शुरू कर रहा है बाहर के बाजार में इन्वेस्ट करना तो उसे यूएस मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी है एंड आपको टिपिकली ज्यादा आप जागरूक हैं उस मार्केट को लेकर के। अगर आपने एक यूएस फंड में निवेश कर लिया है उसके बाद आप सोच सकते हैं किसी और बाजार में निवेश करने के लिए, जैसे कि हांगकांग हुआ, जैसे कि ताइवान हुआ, जापान हुआ। लेकिन निवेशक को ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हर मार्केट की एक डिफरेंट रिटर्न एंड रिस्क प्रोफाइल है। यूएस बाजार एक डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर्स से इम्पैक्ट होता है एंड एक हांगकांग मार्केट डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर्स से इम्पैक्ट होता है। हमको अगर हम ऐसे मल्टीपल बाजारों में निवेश कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस एक दूसरे से काफी फर्क हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल पिछले 10 सालों में अगर मैं 2020 तक बात करूं, यूएस मार्केट ने इंडियन मार्केट्स को 7 साल आउट परफॉर्म किया है, बट लेकिन इस साल यूएस मार्केट ने इंडियन मार्केट्स को अंडर परफॉर्म किया। सिमिलरली अगर मैं हांगकांग मार्केट की बात करूं तो पिछले 7 में से 5 साल हांगकांग का जो टेक्नोलॉजी इंडेक्स है उसने काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को, लेकिन 2 साल काफी अंडर परफॉर्म किया है इंक्लूडिंग 2021 की अगर हम बात करें तो। सो इसीलिए अपॉर्चुनिटीज काफी हैं यूएस मार्केट के अलावा भी, लेकिन ये जानना जरूरी है एक निवेशक को कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एप्लीकेबल है, और अगर वो उस निवेशक की वैसी रिस्क एपेटाइट है तभी उसे ये दूसरे बाजार भी आंकने चाहिए निवेश करने के लिए। आखिरी में जो मैं दूसरे बाजारों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अगर किसी को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक्सपोजर लेना है तो वो ताइवान में निवेश करने की सोच सकता है। हांगकांग मार्केट जैसे मैंने बोला इस साल अंडर परफॉर्म किया है, करीब वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 40% डाउन है उसके पीक से, तो किसी को अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना है तो वो हांगकांग मार्केट दे सकता है। अगर उसको बिग टेक ऑफ एशिया में इन्वेस्ट करना है तो वो हांगकांग मार्केट, कोरिया मार्केट, ताइवानीज मार्केट देख सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज काफी डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज के साथ डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स भी एप्लीकेबल है। तो निवेश क्यों करना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में और निवेश कहाँ करना चाहिए तो समझ लिया, फायदे भी समझ लिए, लेकिन कैसे करें निवेश, ये सबसे जरूरी सवाल है जिसका जवाब सिद्धार्थ इस मास्टर क्लास में हम आपसे समझना चाहते हैं। इंटरनेशनल बाजार में चाहे यूएस मार्केट हो चाहे फिर दुनिया के बाकी बाजार हो, निवेश का आसान तरीका क्या है? सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल फंड्स एक दूसरे से काफी डिफरेंट हो सकते हैं। अगर मैं आज इंडिया में एक लार्ज कैप फंड उठा के देखता हूँ और या फिर मल्टी कैप फंड उठा के देखता हूँ या फ्लेक्सी कैप देखता हूँ, होल्डिंग्स काफी सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन ग्लोबल फंड्स एक दूसरे से काफी डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल विद इन यूएस की अगर मैं बात करूँ तो एक S&P 500 टॉप 50 फंड जो है वो एक आपको ब्रॉडर एक्सपोजर देता है अक्रॉस सेक्टर्स, जहाँ की फैंग प्लस और नैसडैक 100 जो फंड है वो टिपिकली आपको टेक सेंट्रिक एक्सपोजर देते हैं। अगर आप इमर्जिंग मार्केट फंड्स की बात कर रहे हैं तो वो आपको मल्टीपल कंट्रीज का एक्सपोजर देते हैं,
अगर आप ताइवान फंड की बात करें तो सिर्फ ताइवान मार्केट का एक्सपोजर देते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो आप फंड देख रहे हैं उस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से, आपकी रिस्क प्रोफाइल से अलाइन कर रहा है कि नहीं करना। अभी इन्वेस्टमेंट करने के दो मेजर माध्यम है, एक है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। वह एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर डिसाइड करता है उसे किस कंपनी में निवेश करना है, और एक है पैसिव म्यूचुअल फंड जो कि एक अंडरलाइन इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे कि नैसडैक 100, हैंगसेंग टेक इंडेक्स एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे दो तीन मेजर फर्क है एक्टिव फंड्स में और पैसिव फंड्स में। एक्टिव फंड जहाँ पे फंड मैनेजर चुनता है कि स्टॉक और किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, उनका टिपिकली एक्सपेंस रेशियो ऑन दी हायर साइड होता है, एंड उन फंड्स की परफॉर्मेंस निर्भर करती है कि फंड मैनेजर किस टाइप के स्टॉक सेलेक्ट कर रहा है एंड वो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जबकि एक पैसिव फंड क्योंकि इंडेक्स ट्रैक करता है, टिपिकली लो कॉस्ट का होता है, उसमें फंड मैनेजर रिस्क नहीं होता है क्योंकि जो भी इंडेक्स में सिक्योरिटी है उन्हीं सिक्योरिटीज में वो फंड निवेश करता है। एंड ज्यादातर देखा गया है कि डेवलप मार्केट्स जैसे कि यूएस है, वहां पे एक एक्टिव फंड बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर पाता है, मुश्किल होती है आउट परफॉर्म करने में। इसीलिए टिपिकली अगर कोई एक निवेशक अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है ग्लोबल मार्केट में निवेश करने की, सो टिपिकली उसे पैसिव फंड जैसे कि ETF हुआ या फिर इंडेक्स फंड हुआ या फिर फंड ऑफ फंड जो कि ETF है इंडेक्स पे बेस्ड है, उसमें निवेश करना चाहिए। क्योंकि एक तो आपको लो कॉस्ट पे मिलेगा वो, दूसरा उसमें फंड मैनेजर रिस्क नहीं रहेगा, तीसरा आपको पता है इंडेक्स की मेथड क्या है, आपको पोर्टफोलियो डेली बेसिस पे पता रहता है तो आपको उसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, एंड एक निवेशक को एक सॉर्ट्स ऑफ फेमिलियरिटी रहती है कि मुझे कहाँ एक्सपोजर मिल रहा है एंड मेरे फंड की कैसी परफॉर्मेंस रह रही है ऑन अ डेली बेसिस। बिल्कुल, तो इंटरनेशनल मार्केट में निवेश का तरीका, फायदे क्या हैं, आप अगर यूएस मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और उसके अलावा बाकी बाजार में, इंटरनेशनल बाजार में निवेश करने से आपके पोर्टफोलियो में क्या हो सकता है वैल्यू एडिशन, ये तमाम बारीकियां आज आपने म्यूचुअल फंड के मास्टर क्लास में हमें समझाई। सिद्धार्थ श्रीवास्तव, हमारे साथ शामिल होने के लिए इस मास्टर क्लास में आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज के इस मास्टर क्लास में बस इतना ही, फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।